हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज़ हुई मच अवेटेड सीरीज़ हीरा मंडी द डायमंड बाज़ार को लेकर, जिसे रिलीज़ हुए 2 वीक कंप्लीट हो चले। जी हाँ, इस सीरीज़ ने 14 दिन कंप्लीट कर लिए नेटफ्लिक्स पर, जहाँ पर ये सीरीज़ प्रीमियर कर रही है पिछले कुछ 14 दिनों से और ट्रेंडिंग में बनी हुई है ग्लोबली। सीरीज़ काफ़ी अच्छी है, मस्ट वॉच है, आपको देखनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो। अब बात करूँ सीरीज़ को लेकर, तो सीरीज़ में आपको लीडिंग में नज़र आ रहे हैं फरदीन खान, ऋचा चड्ढा, सोनाक्षी सिन्हा और भी काफ़ी सारी एक्ट्रेस। बात करें इस सीरीज़ को लेकर, कहीं ना कहीं ये सीरीज़ चल रही है इस सीरीज़ के डायरेक्टर की वजह से, जो कि वर्ल्ड वाइड पॉपुलर है। जी हाँ, बात करें संजय लीला भंसाली की, जिन्होंने की इस सीरीज़ को डायरेक्शन दिया है। अगर ऐसे में बात करूँ मैं इस सीरीज़ को लेकर, तो सीरीज़ अभी भी ट्रेंडिंग में बनी हुई है 2 वीक कंप्लीट होने के बावजूद, जहाँ पर इसका बजट है 200 करोड़ प्लस। कहीं ना कहीं ये सीरीज़ देखी जा रही है क्योंकि एक क्लासिकल सीरीज़ है और इसका जो कॉन्सेप्ट है काफ़ी क्लियर है। वेल, आपने सीरीज़ देखी तो आपको कैसी लगी, आपकी राय क्या है, ओपिनियन क्या है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलिएगा। अगर ऐसे मैं बात करूँ बजट की, तो बजट है 200 करोड़ प्लस। वहीं कलेक्शन की बात की जाए तो ये सीरीज़ आज भी अपने 14 दिन काफ़ी अच्छा होल्ड बनाए हुए है, काफ़ी अच्छा कलेक्शन कर रही है और कमा रही है 7 से 8 करोड़ की रेंज में, जहाँ पर इस सीरीज़ का अभी तक का टोटल अपडेटेड कलेक्शन हो चुका है तकरीबन 147 करोड़ प्लस। अभी तक सीरीज़ ने अपने बजट की रिकवरी नहीं किया है, लेकिन बहुत जल्दी ये सीरीज़ हिट के लिए ट्रेंड कर रही होगी, क्योंकि आपको पता है नेटफ्लिक्स के पास सफिशियंट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं जो कि किसी भी फिल्म को हिट का करार दिला सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय।